Hey friends, welcome. 12th May was International Nurses Day. और आप जो पेंटिंग अभी देख रहे हैं वो मैंने उसी दिन स्टार्ट की थी। वैसे तो नर्सेस एंड डॉक्टर्स हमेशा ही हमारी मेडिकल केयर करते हैं, हर एक मेडिकल इमरजेंसीज में वो लोग प्रेजेंट रहते हैं। बट दिस ईयर दिस इंटरनेशनल नर्सेज डे हैज़ सम डीपर मीनिंग्स, क्योंकि एट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड दीज नर्सेज एंड डॉक्टर्स आर प्लेइंग वाइटल रोल, रियल हीरो की तरह लड़ रहे फ्रंट लाइन में। आई मीन दे ऑल्सो हैव देयर फैमिलीज, उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस होती होंगी, एंगजाइटी होती होंगी, बट स्टिल वो हमेशा ही पेशेंट के साइड में ही रहते। तो चलिए आज एक पेंटिंग से हम लोग उन सब नर्सेस डॉक्टर्स या जो भी है, सिर्फ नर्सेस और डॉक्टर्स नहीं, जो भी फ्रंट लाइन में आज लड़ रहे हैं हमारे लिए, मैनकाइंड के लिए, इस कम्युनिटी को बचाने के लिए, चलिए आज सबको हम लोग इस पेंटिंग के थ्रू एक ट्रिब्यूट देते हैं, एक सैल्यूट करते हैं। थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड रिस्क You are taking every day. तो आज की पेंटिंग है ऑयल ऑन कैनवस। अब सब ने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने एक बर्न सियेना की वॉश पूरी कैनवस एरिया पर कर रही थी। एक्चुअली वो था एक्रिलिक्स। मैंने एक्रिलिक इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो जल्दी से सूख जाते हैं और मुझे ये पेंटिंग को स्टार्ट जल्दी करना था। अगर मैं वो ऑयल से करती तो ड्राइंग टाइम ज़्यादा लग जाता और थोड़ा सा डिले हो जाता पेंटिंग में। तो ये एक हैक है, अगर आपको बेस कलर जल्दी से सुखाना है तो आप एक्रिलिक से भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक्रिलिक के पहले मैंने कैनवस पे एक लेयर जेसो की कर ली थी। अब ये स्टेप इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कैनवस की क्लॉथ बहुत ही दरदरा होती है, तो हमेशा कलर ठीक से नहीं बैठती है या फिर वाइट स्पेसेस रह जाती है। तो उसी लिए अगर हम जेसो की एप्लीकेशन कर लेते हैं तो कलर अच्छे से कैनवस पे फैल जाती है। आफ्टर दैट मैं एक फाइन ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ जो पेंट मुझे करना है बस उसको मैं रफली एक स्केच बना ली हूँ। स्केच बनाने टाइम जो कलर मैंने यूज़ किया है वो है वाटर कलर। जी हाँ, ये एक दूसरा हैक है, क्योंकि अगर मैं ये वाला स्केच ऑयल से करती तो फिर से मुझे इसको ड्राई होने के लिए वेट करना पड़ता, बट वाटर तो तुरंत ही सूख जाता है, तो आफ्टर दैट ओनली आई कैन स्टार्ट विथ माई पेंटिंग। ये जो पेंटिंग आप लोग आज देख रहे हैं इसकी प्लानिंग मुझे बहुत दिनों से ही थी, बट मुझे एक वो फेस नहीं मिल रही थी कि जिस फेस को लेके मैं काम करूँ। मतलब बहुत सारे इंटरनेट में नर्सेस का फेस मिल रहा था, बट मेरे पेंटिंग से जाने वाली फेस आई वॉज नॉट गेटिंग दैट। देन फाइनली आई केम अक्रॉस विथ दिस डिजिटल पेंटिंग बाई जोएल जोली। आई एम रियली सॉरी इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट राइट, बट शी इज़ अ कोरियन आर्टिस्ट फ्रॉम वैंकूवर कैनेडा, एंड उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में मैंने ये डिजिटल आर्ट देखी और मतलब तुरंत ही मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इसी फेस से काम करना है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी प्रोफाइल की आईडी मेंशन कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ जाके एक बार देखिएगा कि कितनी अमेजिंग आर्टिस्ट है वो। अभी स्टार्टिंग में आपको पेंटिंग थोड़ा वियर्ड लगेगा क्योंकि वी आर जस्ट ऑन आवर फर्स्ट लेयर। जस्ट मैं जहाँ जहाँ जो जो कलर एलोकेशन है बस वही मैं पुट कर रही हूँ, और जस्ट डार्कर एरियाज़ को डार्क रख के बाकी एरियाज़ को ब्लेंड आउट कर रही हूँ। ऑयल पेंटिंग में हमेशा ही लेयर्स के ऊपर काम होता है अगर आप डिटेल्ड वर्क चाहते हैं तो। मैं पहला लेयर बेस लेयर कंप्लीट करके आई विल लीव इट फॉर वन डे, एंड आफ्टर दैट मैं इसके ऊपर दूसरा लेयर के ऊपर काम करूँगी, डिटेलिंग्स के ऊपर काम करूँगी। ऐसा नहीं है कि ऑयल पेंटिंग एट अ सिंगल गो नहीं ख़त्म कर सकते, ऐसा भी होता है, बहुत सारा मेथड्स है। जैसे वेट ऑन वेट, आप लोग एक ही बार में जस्ट कुछ ब्रश स्ट्रोक्स की हेल्प से यू कैन फिनिश इट ऑफ इन अ सिंगल डे।
जैसे मैंने सत्यजीत राय की पेंटिंग बस एक ही दिन में कंप्लीट कर ली थी, बट ये पेंटिंग पे थोड़ा डिटेलिंग्स ज़्यादा डलेगा क्योंकि आइस के ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग्स मुझे और डालना है, जैसे आइस के ऊपर जो आईब्राउज है या फिर प्यूपल्स है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, हेयर लाइनिंग के ऊपर काम करना है, थोड़ा सा हेयर स्ट्रैंड्स डालना है, तो इसीलिए आई विल लीव इट फॉर वन डे टू ड्राई। अभी हेयर की बात कर लेते हैं। हेयर लाइनिंग की जो एरिया से आपको दिख रहा है वहाँ पे शेडो आ रहा है, तो उस एरियाज़ को हम डार्क रखेंगे। ऊपर के एरियाज़ में जहाँ पे ब्लॉन्ड हेयर थोड़े से है वहाँ पे मैं थोड़ा सा येलो ऑकर, वाइट, बर्न्ड सियना एंड थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लैक को मिक्स करके उस वाइट एरियाज़ को मैं कर रही हूँ। और जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वाइट है तो उस एरियाज़ में वाइट की पोर्शन कुछ ज़्यादा रखी हूँ। तो ऐसे करके पहले आपको बेस को ऐसे करके सेक्शन वाइज आपको कलर कर लेने हैं। ऑयल पेंटिंग हमेशा से ही मेरी फेवरेट रही है, मतलब ये एक ऐसा मीडियम है जो कि बहुत फॉरगिविंग है। मान लीजिए आप एक्रिलिक या वाटर कलर में कोई मिस्टेक करते हैं, आप लोग उस मिस्टेक को कभी भी अंडर नहीं कर सकते, बट ऐसा ऑयल कलर में नहीं है। आपको वो कंफर्ट देता है कि आप अपने हिसाब से काम कर सके, मतलब अगर आपको कोई टोनल वैल्यू आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुट करना है आप उसको ड्रॉ करके कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं। आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स दैट वेदर दिस ऑयल पेंटिंग इज़ वेरी टफ और नॉट और वेदर इट इज़ कॉस्टली और नॉट, बट मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जो आपको आपके कंफर्ट जोन में रख के आपको पेंटिंग के बारे में नॉलेज देगी। क्योंकि आप लोग एक पेंटिंग को जैसे कि एक महीने छोड़ के भी आप लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक पेंटिंग को करते करते मुझे शायद आई नीड टू डिस्ट्रैक्ट माई माइंड, तो आई कीप असाइड दैट पेंटिंग एंड आई कीप ऑन वर्किंग ऑन माई अदर प्रोजेक्ट्स। लाइक कभी कभार ऐसा भी होता है एक साथ 5-6 पेंटिंग के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो ये कंफर्ट आपको ऑयल पेंटिंग से मिल जाता है। तो रही बात महंगाई की, तो देखिए अगर आप एक अच्छा वाटर कलर या एक्रिलिक का सेट लेते हैं तो उसमें जितना आपको खर्चा होगा वैसे ही खर्चा ऑयल पेंट्स में भी है। बट देखिए खर्चे की बात अगर करें तो वो एक बार के ही है। जैसे मैं जो अब ऑयल पेंट्स यूज़ कर रही हूँ वो पेंट्स लगभग मैंने 2 साल या 3 साल पहले ख़रीदी थी, बट अभी भी चल रहा है। और कभी कभार एक दो कलर अगर ख़त्म भी हो जाता है आई कैन बाई दैट सिंगल कलर। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट डिफरेंस नहीं है। और ऑयल पेंटिंग की एक और खासियत जो मुझे अच्छी लगती है कि इवन आफ्टर ईयर्स आफ्टर ईयर्स दिस पेंटिंग विल रिमेन एज न्यू। मतलब अगर आप एक लिंसिड ऑयल से थोड़ा सा अपर सरफेस को क्लीन कर देते हैं तो ये हमेशा ही ऐसे ही मतलब वाइब्रेंट रहेगी, फेड नहीं होगा। बट मैं बता दूँ दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, मतलब आई हैव बीन वर्किंग विद दिस मीडियम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड आई फील दिस इज़ द ईजिएस्ट मीडियम यू कैन वर्क विथ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पेंटिंग ऑफ द फेस इज़ ऑलमोस्ट डन, पहला लेयर फर्स्ट लेयर इज़ ऑलमोस्ट डन। ये सूखने के बाद मैं सेकेंड लेयर पर काम करूँगी। अभी उनके जो यूनिफॉर्म है उसमें मैं कलर कर रही हूँ और उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ सैप ग्रीन एंड थोड़ा सा स्काई ब्लू को मिला के, थोड़ा सा अल्ट्रामरीन ब्लू भी है और थोड़ा सा वाइट, ये 4 मिला के ये मैं कलर कर रही हूँ। और डार्कर एरियाज़ पे मैं ब्लैक ही छोड़ रही हूँ और लाइटर एरियाज़ पे थोड़ा सा वाइट डाल के वो लाइट एंड शेडो इफ़ेक्ट मैं कर रही हूँ। अभी बैकग्राउंड का कलर मैं ग्रे ही छोड़ रही हूँ, बाद में इसमें शेडिंग डालेंगे। और पीछे में जो वायरस की मैं थोड़ा बहुत मोटिव डाली हूँ उसमें मैं कलर डाल रही हूँ रेड और थोड़ा सा क्रिम्सन लेक और वाइट को मिला के जो कलर मिक्सचर बनता है बस उसी से मैं ये कलर डाल रही हूँ। अभी ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि पेंटिंग
में हमेशा ही कैमरा को ऑन रखें, क्योंकि कभी कभार कैमरा की बैटरी डेड हो जाती है, तो आई नीड टू चार्ज दैट। बट मुझे ये पेंटिंग भी ख़त्म करनी थी जल्दी, तो इसीलिए मैंने ऑफ कैमरा भी कुछ काम कर लिया। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं ये वायरस पे जो डिटेलिंग्स है वो मैं ऑलमोस्ट ऑफ कैमरा ही कर ली हूँ। बट ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस वो स्ट्रक्चर्स करने हैं और स्ट्रक्चर्स के नीचे थोड़ा शेडो रख के और स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा लाइट इफेक्ट आपको डालना है। तो चलिए नीचे की डिटेलिंग्स कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक रिब केज की तरह स्ट्रक्चर बनाई है और उनके अंदर मैं थोड़ा सा फ्लावर पैटर्न में डाल रही हूँ। ये इंस्पिरेशन मुझे मिला है एक मूवी से, 2019 में 5 फीट अपार्ट बोल के एक मूवी आई थी। तो उस मूवी में स्टेला की जो सिस्टर थी एबी, उन्होंने उनको एक पेंटिंग गिफ्ट की थी, एक लंग्स की पेंटिंग थी। एक्चुअली स्टेला सिस्टिक फाइब्रोसिस की पेशेंट थी और उनको लंग्स ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत थी। तो उस पेंटिंग में जो एक लंग्स को एक फ्लोरल पैटर्न में दिखाया गया, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तो आई थॉट कि समडे आई पुट दिस आइडिया इनटू माय पेंटिंग। तो मैंने एक ऐसा रिब केज बना दिया, तो उसके अंदर कुछ फ्लोरल पैटर्न्स बना दिया। और साइड में आप देख सकते हैं कि तीन डॉक्टर्स हैं और एक राउंड स्ट्रक्चर है, एक्चुअली वो अर्थ बनेगा। एंड एज इफ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन एंड दे आर सेविंग अस फ्रॉम दैट कोरोना वायरस। फ्लावर पैटर्न जो सब भी आप देख रहे हैं, मैं बस रफली चॉक आउट कर रही हूँ, डार्कर एंड लाइटर शेड्स डाल के थोड़ा सा फ्लावर पैटर्न में कर रही हूँ। ये जो पीची रेड जो रोज़ मैंने ड्रॉ किया है, उसमें मैंने यूज़ किया है क्रिम्जन लेक और स्कारलेट रेड को मिक्स करके। स्कारलेट रेड की अमाउंट ज़्यादा है और ऊपर की तरफ जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बस मैं वाइट की इस्तेमाल कर रही हूँ। लीफ पैटर्न के लिए सैपग्रीन यूज़ किया है मैंने। और जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब फ्लोरल को छोड़ के जो जो नेगेटिव एरियाज बैकग्राउंड में छूट गया है, उसमें मैं धीरे धीरे नेवी ब्लू और ब्लैक को मिक्स करके जो कलर बनता है उसको मैं डालूंगी, डायरेक्ट ब्लैक नहीं डालूंगी। आपको इस टाइम बहुत ही सावधानी से काम करना होगा, एक फाइन ब्रश की ही इस्तेमाल करें, नहीं तो कलर ब्लीड हो सकती है। बस नेगेटिव एरियाज को ही पेंट करें, क्योंकि ये ऑयल पेंट है, आपका पेंट ड्राई नहीं होगा, आपको वेट ऑन वेट ही करना है। और नेगेटिव एरियाज को ड्रॉ करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका जो पेंटिंग है वो कुछ डिफरेंट लगेगी, थोड़ा निखर के आएगी ये फ्लोरल पैटर्न। नीचे का जो भी डिटेलिंग्स आप लोग देख रहे हैं, फ्लावर या फिर वो तीन डॉक्टर्स, ये सब भी बहुत ही रफ वर्क होगा। कुछ डिटेलिंग्स मैंने नहीं करूँगी, कुछ सबमर्ज्ड वे में रहेगा। मेन फोकस है इस पेंटिंग में वो एक्चुअल नर्स की फेस और उनके पीछे जो कोरोना वायरस का मोटिफ है वो। पेंटिंग की स्टार्ट करने से पहले आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द एंड रिजल्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क हियर इज़ कंसेप्चुअल। बस लेडी का जो फेस है वही मैंने रेफरेंस से लिया है, बाकी सब मैंने कुछ कंसेप्ट यूज़ किया है। और ऐसी पेंटिंग करने से पहले थोड़ा सा रफ स्केच कर लेना चाहिए। और मैंने अभी तक ऐसा कोई कंसेप्चुअल पेंटिंग, लार्ज पेंटिंग मैंने किया नहीं, तो आई वॉज लिटिल बिट ऑफ नर्वस अबाउट दिस पेंटिंग। बट जब धीरे धीरे इट वॉज कमिंग टू एन एंड, आई वॉज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट, इट वॉज गुड। मतलब इट्स नॉट दैट परफेक्ट और दैट फाइन फिनिशिंग आई वॉन्टेड इन माई पेंटिंग, बट इट्स गुड। समटाइम्स इम्परफेक्शंस भी चाहिए लाइफ में, क्यों नहीं। तो अभी अर्थ के ऊपर काम चल रहा है, तो अर्थ पे जो जो कलर मैंने यूज़ किया है वो है साइड में थोड़ा सा प्रूशन ब्लू से स्टार्ट किया है, मिडल में थोड़ा सा प्रूशन ब्लू में वाइट डाल के मैंने यूज़ किया है, और जो लैंड एरियाज है
लैंड एरियाज के डार्कर साइड पे सैप ग्रीन है, और जो जो लाइटर एरियाज है वहाँ पे थोड़ा सा क्रोम येलो मिला के मैंने यूज़ किया है। और जहाँ जहाँ लैंड और सी का जो कनेक्टिंग लाइन है उस लाइंस को कहीं कहीं पे मैंने डार्क रखा है, वो मैंने प्रूशन ब्लू से मैंने डार्क किया है। आई विल अपलोड दिस पेंटिंग ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड ऑन माई फेसबुक पेज। तो आप लोगों में से कोई अगर इसे रिक्रिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए और अपलोड करके मुझे टैग कीजिएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपका वर्क देख के। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है toma.shortcut.art और फेसबुक आईडी है toma.shortcut.art। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए इस पेंटिंग के बारे में तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है प्लीज़ गिव इट अ शेयर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई मीन इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। आई विश यू ऑल हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड आई विश टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।